जम्मू कश्मीर के हर मसले पर हर मोर्चे पर विफल होने के बाद पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ICJ का रुख कर रहा है। इसको लेकर वहां की संसद में प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC समेत तमाम मंच पर कश्मीर के मुद्दे को लेकर मुक्की खाने के बाद अब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है दोस्तों। पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत ICJ जाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को बताया कि अब हम कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उठाएंगे। हालांकि इसमें भारत को किसी किस्म की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। उसके पीछे वजह यह है, भारत का बेहद मजबूत पक्ष है। वहीं इसके इतर संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जहां जाएगा वहीं हम मजबूती से जवाब देंगे। भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। इसके खिलाफ ICJ जाने के पाकिस्तान के फैसले पर शीर्ष राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, हर देश को उसके पास उपलब्ध हर रास्ता अपनाने का अधिकार है। हमारी सोच भी अलग अलग रहती है। अगर वे हमसे अलग अलग मंच पर निपटना चाहते हैं तो हम उस मंच पर उनको जवाब देंगे। यह उनकी पसंद का मंच है। उन्होंने एक बार कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहे। पाक कैबिनेट ने कश्मीर मसले को ICJ में ले जाने की मंजूरी दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल से कहा था, कश्मीर मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उठाने का फैसला किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री इमरान खान विशेष सूचना सहायक फिरदौस आसिक अवान ने कहा था, कैबिनेट ने कश्मीर मसले को ICJ ले जाने की मंजूरी दे दी थी। बता दें कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने 6 अगस्त को संसद के विशेष सत्र में कहा था कि वह कश्मीर मसले को सुरक्षा परिषद सहित हर मंच पर उठाएंगे, ICJ के पास भी ले जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान कश्मीर के मसले को ICJ ले जाकर कुछ पा सकता है? कुछ नहीं पाएगा मुझे तो लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। आपको मेरा ये एफर्ट कैसा लगा? प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो जरूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलिएगा अगले वीडियो में।